हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन का बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा सा भरता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बैगन और टमाटर लिया है और बैगन में इस तरीके से कट लगा लिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले बैगन को रोस्ट करेंगे। तो गैस पर जाली रख करके, जाली पर बैगन रख के इसको पका लेंगे अच्छे से। बैगन को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। इस तरीके से घुमा घुमा के चारों तरफ अच्छे से पका लेंगे। बैगन हमारा अच्छे से पक गया है, एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और तब तक इधर फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल करके गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालेंगे, बारीक कटा प्याज डालेंगे और लहसुन का पत्ता डालेंगे। फिर सबको अच्छे से भून लेंगे। हींग डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे मटर, फ्रेश मटर है ये, अच्छे से इसको भी भून लेंगे। मटर और प्याज अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। नमक डाल देंगे और चला करके इसको ढक देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और तब तक बैगन छील लेंगे। तो इस तरीके से बैगन का छिलका हटा देंगे, फिर इसको एक बार धो लेंगे और फिर इसको छोटा छोटा काट लेंगे। खोल लेते हैं, ये देखिए टमाटर अच्छे से गलने लगे हैं। अब इसको चला करके अच्छे से सुखा लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए बैगन, मिक्स कर देंगे, सबको अच्छे से मैश करेंगे ताकि बैगन और टमाटर अच्छे से मिल जाएं और अच्छे से पक जाएं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और मैगी मसाला मैंने मिला के रखा है, तो उसको भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे बैगन डालने के बाद। अब अच्छे से सबको मैश कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको फिर से ढक देंगे। ढक्कन खोल लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा पक रहा है हमारा भरता। तो इसको चला लेंगे और मैश करते रहेंगे और भरता को अच्छे से सूखने तक इसको पकाना है। ये देखिए बैगन और टमाटर का पूरा पानी सूख गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। भरता बन गया है।
एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो बस अब हमारा बैगन का भरता बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।